मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम लोग यूपी बोर्ड के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री में दो पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में कुल आपको 9 चैप्टर हैं और पार्ट सेकंड में कुल आपके 7 चैप्टर हैं अभी तक के अकॉर्डिंग। परंतु ये सिलेबस कुछ ना कुछ रिड्यूस किया जाएगा, कुछ ना कुछ सरकार द्वारा कम किया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को कुछ 30% तो रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। तो आई होप कि यूपी बोर्ड के सिलेबस को भी रिड्यूस किया जाएगा। मैं इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा अगर इस तरीके से कोई जानकारी निकल के सामने आती है। तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एक खास न्यूज़ ये भी है कि 16 अगस्त से उनके बोर्ड फॉर्म भी भरे जाएंगे। तो सरकार कहीं ना कहीं तैयारियां कर रही है परीक्षाओं कराने के, अगस्त के बाद से कक्षाएं को संचालित करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि आप भी अपनी तैयारी रखिए, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ऑनलाइन वीडियो से आप पढ़ते रहिए समय निकाल के। इस महामारी के समय में खुद को मोटिवेट रखिए दोस्तों। तो हम बात करते हैं यहाँ पे आपको कि चैप्टर नंबर 1 जो आपका है, मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री 12th स्टूडेंट के लिए दो पार्ट में है, जिसमें पहले पार्ट में 9 चैप्टर और सेकंड पार्ट में 7 चैप्टर। तो कुल 16 चैप्टर अभी तक हैं, बाद में रिड्यूस किया जाएगा तो उसकी जानकारी को दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो आपको जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई चालू रखनी है, जारी रखनी है। तो चैप्टर 1 है केमिस्ट्री के 12th में आपका सॉलिड स्टेट। ठीक है दोस्तों, ठोस अवस्था। आपका ये सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, तो इसके बारे में कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुना होगा। मेरे ख्याल से 9th क्लास में ही आपने इसको जान लिया होगा, समझ लिया होगा कि ठोस अवस्था क्या होती है। इनफैक्ट अवस्था का अर्थ होता है कि वह पदार्थ जो है वो किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, किस तरह से आपको दिख रहा है। क्योंकि आपको पता है कि ब्रह्मांड में चीज़ें या तो ठोस होंगी, या तो द्रव होंगी, या तो गैस होंगी। इन तीन के अलावा दो और हैं जिनको हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा कहते हैं, उनके मिलने की संभावनाएं बहुत ही कम हैं। तो केवल अगर हम डिस्कस करें तो इन तीन पार्ट में ही हमारी बात करनी पड़ती है, ठोस, द्रव और गैस। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि किस तरीके से ये अवस्थाएँ आई हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना है दोस्तों। तो थोड़ा सा आप जानते भी हैं कि पदार्थ, दैट इज द मैटर, पदार्थ। दोस्तों आपको पता है पदार्थ क्या होता है? आप इस परिभाषा को जानते हैं, मतलब वह जिसे हम देख सकते हैं, इसमें कुछ भार होता है और जो स्थान घेरता है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। या यूं कह लीजिए कि जिसमें कुछ भार होता है, जो स्थान घेरता है और जो हमारी ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस किया जाता है, वो क्या है? पदार्थ। जैसे ये बोर्ड, ये घड़ी, ये मार्कर, ये सब क्या है दोस्तों? पदार्थ है। जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं आसपास, वो सब क्या हैं? पदार्थ ही तो हैं। पदार्थ को ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं और दो बेसिस पे करते हैं दोस्तों। पहला है आपका जो है भौतिक आधार, भौतिक आधार। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, हाँ, भौतिक आधार दोस्तों। दूसरा है रासायनिक आधार। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला है भौतिक आधार, दूसरा है रासायनिक आधार। फर्दर आपको पता है भौतिक आधार को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था 3 तरह से, ठोस, द्रव और गैस। इसके विषय में तो आप पहले भी जानते होंगे, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ से रासायनिक आधार को दोस्तों हम लोग क्लासिफाई करेंगे 2 तरह से, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ।
मतलब पदार्थ को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास कितने साधन हैं, या यूं कहिए कितने आधार हैं, तो दो आधार हैं। पदार्थ क्या है? वह जो स्थान घेरता है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपनी ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, इनफैक्ट वो क्या है? पदार्थ। मतलब जिसमें कुछ भार हो, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें, जो स्थान घेरता हो, वो क्या है? पदार्थ है। तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग दुनिया में सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, वो सब क्या हैं दोस्तों? पदार्थ हैं। अब पदार्थ भौतिक अवस्था के आधार पे या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस होगा। जैसे ये मार्कर ठोस है, ईंट, पत्थर, मेज, कुर्सी, ये सब क्या है? ठोस हैं। जल हो गया, पेट्रोल हो गया, तेल हो गया, है ना, सरसों का तेल हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? द्रव है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? गैस है। तो पदार्थ ये सारे के सारे क्या हैं? पदार्थ ही हैं। तो इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि पदार्थ जो है वो या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस होगा, भौतिक अवस्था के आधार पे। अगर उसमें रासायनिक आधार घुसा दें तो या तो वो शुद्ध होगा या तो अशुद्ध होगा। कोई भी पदार्थ या तो शुद्ध होगा या तो अशुद्ध होगा। शुद्ध पदार्थ वह होगा जिसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो, और अशुद्ध पदार्थ होगा जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों की क्या हो? मिक्सचर हो या मिलावट हो। तो इनफैक्ट यहाँ से आप इस बात को गौर कर सकते हो दोस्तों कि किस तरीके से भौतिक और रासायनिक आधार पर हम लोगों ने पदार्थ को बांटा हुआ है। पदार्थ क्या होता है? तो यहाँ से हमको बेसिकली ठोस की बात करनी है, क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 1 है आपका 12th केमिस्ट्री का, पहला जो चैप्टर है ठोस अवस्था, तो इनके विषय में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम फोकस करेंगे इस पर, ठोस अवस्था पे। तो चलिए यहाँ से आपको हम लेके चलते हैं ठोस अवस्था की दुनिया में, कि किस तरीके से हमको बात करनी है। तो ठोस अवस्था क्या होती है, इसके क्या गुण होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो ठोस अवस्था की विशेषताएं बताते हैं। तो ठोस क्या होता है ये हमने समझ लिया। ये कहाँ से आया? पदार्थ से आया। मैंने आपको बताया था कि पदार्थ दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ठोस भौतिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस मिला था। तो ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट सॉलिड स्टेट। सो सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें आपको और यहाँ पे समझ लेनी पड़ेंगी कि जैसे पदार्थ है हमारा, तो पदार्थ अणु का बना है, अणु परमाणु का बना हुआ है, और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का बना हुआ है। दोस्तों पदार्थ किसका बना हुआ है? अणु का। अणु किसका बना है? परमाणु का। और परमाणु किसका बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इस पदार्थ से दोस्तों क्या बना हुआ है? संसार। इस पदार्थ से क्या बना हुआ है? संसार। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से क्या बना हुआ है? हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड बना हुआ है, पूरा का पूरा संसार बना हुआ है। तो इस पूरे संसार में चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमेशा घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो पदार्थ क्या होता है? जो जिसमें कुछ भार हो, जो स्थान घेरता हो, और जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से, आँख से या हाथ से, या तो मतलब जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, इन सब से अनुभव कर सके, वो क्या है? पदार्थ। इस बोर्ड का अनुभव कर रहा हूँ, इस घड़ी का अनुभव कर रहा हूँ, इस मार्कर का अनुभव कर रहा हूँ। तो इनफैक्ट हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं दोस्तों? पदार्थ है। तो पदार्थ किसका बना हुआ है? अणु का। अणु किसका बना हुआ है? परमाणु का। मतलब हम कह सकते हैं पदार्थ के अंदर क्या है? अणु भरे पड़े हैं। पदार्थ के अंदर क्या है? अणु भरे पड़े हैं। तो स्पेशली हम पदार्थ के वन एंड ओनली वन कैटेगरी की बात करने वाले हैं, दैट इज द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट की क्या विशेषता है, क्या विशेषता है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्यों हम किसी भी पदार्थ के प्रकार को ठोस कहेंगे, उसके लिए दीज आर द सम पॉइंट्स। उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे कि कौन सा पदार्थ सॉलिड है कि नहीं है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। ठोस के आयतन व आकार क्या होते हैं दोस्तों? निश्चित होते हैं। ठोस के आयतन व आकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मार्कर कम चला हुआ है, आयतन थोड़ा विलुप्त हो गया है। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ आयतन। आयतन व आकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अगला पॉइंट है, ठोस के अणुओं के मध्य अंतरा अणुक अवकाश बहुत कम होता है व आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है। मतलब ठोस के अणु क्या होते हैं? ऐसा बिल्कुल पास पास होते हैं।
इसीलिए ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इसका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि कभी भी कोई भी आप ठोस लीजिए, जैसे ये भी एक मार्कर भी क्या है हमारा ठोस है, तो इसका आयतन और आकार हमेशा निश्चित रहेगा, चाहे मैं इसको बोर्ड पे रखूं, चाहे अपने सर पे रखूं, चाहे हिमालय की चोटी पे रखूं, चाहे अपने हथेली पे रखूं, कभी भी ये परिवर्तित नहीं होगा इसका आकार। परंतु जैसे आप किसी भी द्रव को, जैसे पानी को आप लोटे में रख दो, बाल्टी में रख दो, ग्लास में रख दो या किसी बॉटल में भर दो, तो उसका जो आकार होगा दैट विल गोइंग टू चेंज, वह परिवर्तित हो जाएगा। परंतु ठोस की यह पहचान है उसका आयतन और आकार सदैव 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 निश्चित रहने वाला है। ठीक, क्यों निश्चित रहने वाला है? क्योंकि उनके अणु क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, उसमें अंतराणु का अवकाश अधिक होता है, तो वो इधर उधर जाते नहीं। तो छोटा सा मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एक ठोस का कटिंग है ना, इसके अंदर क्या है, अणु है, और अणु क्या है दोस्तों, बिल्कुल ही क्या है, पास पास हैं। सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ से आप मदद ले सकते हैं। ये अणु है, ये अणु क्या है, बिल्कुल पास पास हैं, तो इसमें अंतरा अणु अवकाश क्या है दोस्तों, बहुत ही क्या है, कम है, और ऊपर से आकर्षण बल क्या है, बहुत क्या है, अधिक है, अधिक है आकर्षण बल, और अंतरा अणु अवकाश बहुत क्या है, कम है, इसलिए इनका आयतन व आकार क्या होगा, निश्चित होगा। ये समय के साथ यू 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 करके परिवर्तित नहीं होने वाले हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, ठोस असंपिंड होते हैं। असंपिंड का मतलब होता है नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल मतलब ये दबाए नहीं जा सकते। अच्छा आप देखो, दबाए कैसे जा सकते हैं, दबाए कैसे जा सकते हैं, जब इनके अणु ही इतने पास पास हैं, तो यहाँ पे दबाने के बाद इनके पास कोई जगह ही नहीं है कि वो इधर उधर जाए। आप इसको इस तरीके समझ सकते हो, जैसे कि मुंबई की लोकल आप लोगों ने देखी होगी, या यूं कहिए आप किसी बस में चढ़ते हो और बहुत ही गर्दी है, बहुत ही भीड़ है, आप उधर घुस गए और आप इस तरीके से ऐसे खड़े हो, इतनी भीड़ है कि आप इधर उधर भी नहीं हो पा रहे हो, सारे लोग की यही स्थिति है। तो चूंकि लोग बहुत पास पास हैं, इसीलिए बाहर से कोई बंदा आप आए और उनको ढकेल के खुद अंदर होना चाहे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो बस के अंदर आदमी हैं वो बहुत ही क्लोज हैं, बहुत ही क्या है, पास पास हैं, उनमें कोई भी अंतराल अवकाश नहीं, इसलिए उसको कोई कंप्रेस नहीं कर सकता है। तो लिहाजा ठोस के जो हमारे अणु हैं वो इतने पास पास होते हैं, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए क्या होता है दोस्तों, ये असंपीड्य होता है। अगला है, ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है, ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। बहने का गुण मतलब फ्लोइंग टेंडेंसी, मतलब विसरण। जैसे आपने देखा होगा कि जल, पवन, पवन क्या है, गैस है, जल क्या है, द्रव है, ये बहते हैं, जल पवन बहे, दिशा दशा तय करे, इस तरीके से कह सकते हैं। परंतु जो हमारे ठोस होते हैं वो कभी भी बहते नहीं। अभी आपने सुना है कि हमारा पंखा बह गया, पड़ोसी के घर में पहुंच गया, ऐसा तो नहीं होता, नहीं, बिल्डिंग बह जाए, हाँ, अंटिल जैसा बहाने वाला कोई द्रव आ जाए, लिक्विड आ जाए और उसको बहा के लेके जाए तो अलग बात है, लेकिन खुद इनमें कोई भी टेंडेंसी बहने की नहीं होती है, ये आप भी जानते हो। तो मतलब ठोसों में बहने का कोई भी गुण नहीं पाया जाता दोस्तों। फिर अगला है, ठोस में गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, ठोस में गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा कम होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे गति करने के लिए, यहाँ पे गति करने के लिए, फिर वही साहब बस वाला एग्जांपल याद करिए, इधर उधर जाने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि हम तो इस तरीके से पकड़े हुए हैं। हाँ, अपने स्थान पे ऐसे ऐसे हो सकते हैं, ऐसे ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑसिलेट कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से वाइब्रेट कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन हम गति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गतिज ऊर्जा ठोसों में क्या होती है दोस्तों, बहुत ही कम होती है, या आप यूँ कहिए नगण्य होती है। फिर इसके बाद कहें, ठोस क्या होता है दोस्तों, दृढ़ होता है। दृढ़ का मतलब मजबूत, है ना, चट्टान की तरह, आपने सुना होगा फिल्मों में कभी कभी साउथ के हीरो बोलते हैं चट्टान की तरह खड़े हैं, दृढ़ हैं, तो दृढ़ का मतलब क्या, मजबूत। और मजबूती कहाँ से मिली, क्योंकि इसके जो अणु हैं वो क्या हैं, पास पास हैं। मैंने कहा था दोस्तों यही चीज़ आपको क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने वाली है। तो क्योंकि ठोस के अणु बिल्कुल पास पास हैं, इसीलिए ठोस जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगला है, ठोस को ताप देने पर यह द्रव में बदल जाता है, यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है दोस्तों। जब हम क्या करते हैं, ठोस को ताप देते हैं, यूँ कहिए आप लुक्की लगा देते हो, गर्म कर देते हो, अभी आप एक कमरे में
है ना, या आप यूं कहो उस बस में जिस बस में हम चढ़े थे बड़ी ही सांसत से, उसमें आग लग जाए तो हर आदमी क्या करेगा, निकल निकल के भागेगा, दूर दूर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो इसके पार्टिकल थोड़ा सा क्या होते हैं, थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं। और आपको पता है कि जो द्रव के अणु होते हैं वो ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं। अगर ठोस के जो अणु हैं वो इतने पास हैं तो द्रव के अणु थोड़े क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं तो ठोस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, द्रव में। ठोस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, द्रव में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि ठोस के आयतन और आकार निश्चित होते हैं, ये दृढ़ होते हैं और ये असंपीड होते हैं। ये सब कुछ भूल जाइए तो तीन पॉइंट जरूर याद रखना है कि ठोस के आयतन आकार निश्चित होते हैं, ये दृढ़ होते हैं और ये असंपीड होते हैं। इन तीन पॉइंट को याद रखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ठोस की क्या विशेषता है। तो ठोस की विशेषता आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए कि ठोस क्या होता है। कोई पूछे तो आप बता सके कि ठोस के आयतन आकार निश्चित होते हैं, ये दृढ़ होते हैं और असंपीड्य होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात किया कि ठोस क्या होता है। अब आगे हम मिलेंगे आपसे, बताएंगे आपको कि ठोस कितने प्रकार का होता है। तो दो आधारों पर ठोस को वर्गीकृत करेंगे, एक तो कणों की व्यवस्था के आधार पर और दूसरा बंधों के आधार पर। तो बने रहिए हमारे साथ, गुड लक, बाय बाय।